हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियोस। चलिए, वन ऑफ यू हैज़ डिमांडेड कि थोड़ा सा हम जानें जो कैर्न एनर्जी कंपनी है यूके की, उसका इंडिया के साथ क्या इशू चल रहा है, इसके बेसिक्स समझते हैं, इसको समझते हैं। ये इशू है क्या, क्या इंडिया की डिस्प्यूट है इस मल्टीनेशनल कंपनी से। लेट अस फाइंड आउट कहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है और कैसे ये हमारे इकोनॉमी के लिए भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेट अस फाइंड आउट, चलिए इसको समझते हैं। वन ऑफ यू हैज़ डिमांडेड, तो लेट अस टॉक अबाउट इंटरनेशनल इशू टुडे। आज की जो इशू है वो इंटरनेशनल अफेयर्स से है। डिस्प्यूट ये है कि ये जो कंपनी है कैर्न एनर्जी कंपनी, ये स्कॉटिश कंपनी है, इंग्लैंड में, ये स्कॉटलैंड में यूके की कंपनी है और ये एनर्जी और ऑयल और गैस के फील्ड में काम करती है। 2006 में इसके इंडिया में, राजस्थान में और कई जगह पे इसके गैस एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम बारमेड़ वगैरह में चलते रहते हैं। 2006 में क्या किया, इस यूके कंपनी ने अपने शेयर्स जो इनका इंडियन यूनिट है कर्न इंडिया, उसको ट्रांसफ़र कर दिए। ये चेंज ओवर इंटरनली हो गया, इसने यूके के यूनिट के शेयर्स इंडियन यूनिट को ट्रांसफ़र कर दिए, एक डेवलपमेंट हुआ। 2011 में इसने अपनी एंटायर होल्डिंग, वेदांता एक कंपनी है जो मिनरल एक्सप्लोरेशन में हुआ करती है, इसको सेल कर दिए, अपने सारे के सारे जो एसेट्स थे उसको सेल कर दिए, एक ये होल्डिंग्स जो थी उसको सेल कर दी, एक डेवलपमेंट ये हुआ। जब ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ तो 2014 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को बोला कि आपका जो ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जो आपने शेयर यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, इससे हमारे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार आपके ऊपर टैक्स बनता है और आप ये टैक्स जमा कर दीजिए। 2006 का जो ट्रांजेक्शन हुआ है इस पर आपका इतना टैक्स बनता है, ये आप जमा कर दीजिए। और भारत सरकार ऐसा इसलिए कह पाई थी कि भारत सरकार के पास कानून की एक बैकिंग थी। कानून की बैकिंग कैसे आई, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो बेसिकली क्या हुआ, एक कंपनी ने अपने इंडियन एसेट को अपने शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए और उस पर भारत ने कहा कि आपको जो कैपिटल गेन हुआ है, मतलब आपने 2 रुपये की चीज़ बेची और आपने उस पर आपको 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो 8 रुपये पे, 2 रुपये की चीज़ थी, 10 में बिकी, 8 का फ़ायदा हुआ, 8 पे जो टैक्स बनता है इसे कैपिटल गेन्स है, इतना कैपिटल गेन हुआ है, इसे आप दे दीजिए हमको, ये टैक्स बनता है इतना बिलियन। कंपनी ने इसको फिलहाल कहा कि लॉ के अनुसार सही नहीं है, भारत ने कहा लॉ के अनुसार सही है। अब ये इशू क्या है ये समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट इशू है इंडियन पॉलिटी की, इसमें जो समझने की चीज़ है। टैक्सिंग फ्रॉम ए बैक डेट, पहले ये टैक्सेशन अलाउड नहीं था, बाद में कैसे हुआ। इनकम टैक्स एक्ट जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार, जब 2006 में ये ट्रांजेक्शन हुआ था तब इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार ये टैक्सेशन नहीं बनता था, लेकिन पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो किसी भी कानून को बैक डेट से चेंज कर सकता है। मतलब कोई भी चेंज आज आया, इट इज़ ब्रॉट टुडे, एनी चेंज डन इन द लॉ टुडे एंड इट हैज़ बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम यस्टरडे। ये भारतीय कानून को, भारतीय संविधान आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में अलाउड है कि क्रिमिनल कानून को तो आप पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकते, लेकिन सिविल कानून को आप पिछली तारीख से लागू कर सकते हैं। मतलब अगर सरकार चाहे तो आप, सरकार ये कहती है कि आपसे हम वाटर टैक्स 2 रुपये लेते हैं, लेते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसको 2.5 रुपये कर देते हैं और 2.5 रुपये का जो टैक्स बनता है ये 2017 से बनेगा, तो हमको 2017 जो पिछली तारीख से टैक्स लागू करने का तरीका है ये हमको देना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है, 2006 में ये इनकम टैक्स एक्ट आपके ट्रांजेक्शन को कवर नहीं करता है, लेकिन हमारे पास ये संविधान हमें बैक करता है कि हम इनकम टैक्स एक्ट को चेंज कर दें आज 2012 में और इसको लागू कर दें 1961 से, 1962 से, तो डिफाइन हो जाएगा। मतलब इंडियन पार्लियामेंट हैज पावर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, मींस एनी लॉ चेंज टुडे कैन बी ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम यस्टरडे। आज कानून चेंज हुआ और जो चेंज कानून के फीचर्स हैं वो पिछली तारीख से लागू हो सकते हैं, इसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। तो भारत सरकार ने क्या किया, इस पावर का उपयोग किया और इनकम टैक्स एक्ट को पिछली तारीख से लागू करके कह दिया अब तो बनता है, अब तो कानून कहता है कि टैक्स देना है, अब आप इतना टैक्स हमको दे दीजिए।
रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आपकी समझ में आ गया होगा, क्रिमिनल कानून पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता लेकिन सिविल कानून हो सकता है। ये बात समझ में आ गई आपके कि गवर्नमेंट ने लॉ चेंज करके उसे एप्लीकेबल बना लिया और 1962 से जितने ट्रांजेक्शन होंगे उन पे लागू हो जाएगा। इसलिए अब लॉफुली हम बैक हमारी बैकिंग है, 2006 में बैकिंग नहीं थी, अब बैकिंग है, अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। आई ऐसा क्यों गवर्नमेंट ने किया? एक्चुअली वोडाफोन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो वोडाफोन में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोल दिया था कि क्योंकि लॉफुली वोडाफोन से आप टैक्स नहीं ले सकते क्योंकि आपका कानून नहीं कहता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं कहता। जिस दिन वोडाफोन का केस हुआ था तब ये लॉ चेंज नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, लॉ अलाउ नहीं करता, इसलिए वोडाफोन से आप टैक्स नहीं ले सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉ को चेंज कर दिया। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को अगर निगेट करना है तो उस केस में तो निगेट नहीं कर सकता लेकिन आगे के लिए खबरदार हो जाएगा और कानून को अपने लिए चेंज कर लेगा। तो पार्लियामेंट ने इसको चेंज कर लिया और 1962 से लागू कर लिया जो कि इसको अलाउड है, सिविल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव चेंज अलाउड है। इसका मतलब ये हुआ, इस चेंज का मतलब कि 1962 से जितने भी ऐसे ट्रांजेक्शन हैं उनको टैक्स नेट में लाया जा सकता है। गवर्नमेंट ने ये अपने लिए एक लीगल बेसिस ले लिया। अब वोडाफोन जो कंपनी है कैन, उसने कहा कि ये बनता नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने इसके एसेट्स को फ्रीज करना शुरू कर दिया, इसके जो शेयर वगैरह हैं अपने टैक्स तो वापस ले, टैक्स तो लेना ही है इससे। तो इसने जो जितने केन इंडिया में इसके ऐसे शेयर वगैरह हैं उनको फ्रीज करना शुरू कर दिया। हुआ क्या था, वेदांता को सेल करने के बाद इसके पास 10% की स्टेक बची थी और 2017 में कैन एनर्जी मर्ज हो गई, कैन इंडिया मर्ज हो गई वेदांता में, लेकिन इसके पास 5% का स्टेक फिर भी रहा। तो इसने ये किया कि जो इसके 5% शेयर की वैल्यू है इसको निकालना शुरू कर दिया कि ये हमारा टैक्सेशन है, हम आपसे रिकवर कर रहे हैं। साथ साथ जो कैन एनर्जी के जो इंग्लैंड में इन्वेस्टर्स हैं जिनके शेयर और इंग्लैंड वाली कंपनी में हैं उनको डिविडेंड मिलता था यहाँ से, तो वो उन्होंने रोक दिया। मतलब जितना पैसा इसके नाम पर हो सकता है वो सबका सब रोक दिया ताकि ये पैसा हम रिकवरी ऑफ टैक्स, हमारा सोवरेन अधिकार है, भारत सरकार को टैक्स वसूलने का पूरा पूरा अधिकार है, ये करना शुरू कर दिया। जब ये करना शुरू कर दिया भारत सरकार ने तो ये चली गई, इसने बातचीत करनी भी शुरू की भारत सरकार से कि सेटल कर लेते हैं, लेकिन भारत सरकार ने कहा नहीं, अगर हम सेटल कर लेंगे इसका मतलब और कंपनियों के साथ भी एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और ये इंडियन सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप देंगे तो हम उसमें रियायत दे देंगे, आपको आपके टैक्स में 50% प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ कर देंगे, विवाद से विश्वास स्कीम में आप आ जाइए, हम काफ़ी कुछ कर देंगे, लेकिन हम इस केस को, इस टैक्सेशन को माफ़ नहीं करेंगे, टैक्स टैक्स में माफ़ी दे देंगे लेकिन टैक्सेशन लॉ के तहत माफ़ नहीं करेंगे आपको। तो कैन एनर्जी ने क्या किया, वो चली गई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए 2015 में, मतलब पहले ही जा चुकी, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की। 2015 में इट क्लेम्ड द इंडियन गवर्नमेंट्स एक्शन वायलेटेड इंडिया यूके बायलेटरल इन्वेस्टमेंट, इंडिया और यूके की बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है कि वो एक दूसरे के इन्वेस्टर्स को पैसे को इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेंगे, तो चैलेंज कर दिया। 5 साल 2015 से 2020 तक इंडियन गवर्नमेंट और इस कंपनी के बीच में कुछ बैठकें हुई हैं लेकिन कोई सॉल्यूशन निकला नहीं। वो कह रहे हैं आप केस वापस ले लीजिए, गवर्नमेंट का केस वापस नहीं लेंगे, हाँ टैक्सेशन में रियायत दे देंगे आपको, आप बात तो करिए हमसे। तो 2020 में प्रॉब्लम इंडिया के लिए ये हो गई कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है द हेग में, नीदरलैंड्स में द हेग में ये हुआ करता है, उसने यूनैनिमसली कैन एनर्जी जो यूके की कंपनी उसके फेवर में अवार्ड दे दिया, कहा इंडियन गवर्नमेंट कंपनसेशन दे $1.7 बिलियन का इस कंपनी को, इसका जो लॉस हुआ है, इसके जो डिविडेंड्स आपने रोक लिए हैं, इन्वेस्टर्स का जो फेथ इसमें कम हुआ है, इससे इसके शेयर की वैल्यू गिरी है, इस लॉस को कंपनसेट करिए। 1.2 बिलियन तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको देना पड़ेगा अवार्ड कंपनसेशन, प्लस 500 मिलियन जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट है, तो 1.7 बिलियन आपको देना पड़ेगा इस कंपनी को। 2020 दिसंबर में ये उन्होंने अपना अवार्ड दे दिया। जब ये अवार्ड दे दिया तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे अपील फाइल कर दी मार्च 2021 में। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपील अगेंस्ट द आर्बिट्रेशन अवार्ड स्टेटिंग दैट इट क्वेश्चंस इंडियाज सोवरन राइट टू लेवी टैक्सेस। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा एज ए सोवरन कंट्री वी हैव राइट टू टैक्स सच थिंग्स, हमारे पास अधिकार है टैक्स लेने का, इस बेस पे हम करते हैं, एक लॉजिक की थी। दूसरा ये कहा
कि इंडियन गवर्नमेंट आर्ग्यूज दैट द डिस्प्यूट इज फंडामेंटली अबाउट टैक्स नॉट इन्वेस्टमेंट। हम जो इंडिया यूके बायलेटरल ट्रीटी है उसमें इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने के लिए तैयार है, लेकिन टैक्स थोड़ा ना आप इवेड कर सकते हैं। तो ये इशू टैक्स की है, इन्वेस्टमेंट की नहीं है। तीसरी बात उसने कहा, और चूंकि टैक्स डोमेस्टिक मैटर होता है तो डोमेस्टिक मैटर पर जो हेग की ट्रिब्यूनल है, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इसका जुरिडिक्शन आता नहीं है। इस बेस पे उन्होंने अपील की है नीदरलैंड के कोर्ट्स में, द हेग में जो है, कि इसको वो काउंटर कर रहे हैं, वहां पर इसको फाइट कर रहे हैं। इस बीच दो मीटिंग भी हो चुकी है कंपनी के ऑफिशियल्स इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, बट कोई फैसला नहीं निकला है। अब हुआ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ गई, ये चर्चा में क्यों आ गया? अभी 10-15-20 दिन पहले चर्चा में इसलिए आ गया, कैन एनर्जी जो यूके की कंपनी है, इसने क्या किया, जिस देशों में भारत के एसेट्स हैं वहां पर एप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी कि हमारे पास एक कोर्ट का आदेश है, अवार्ड है, जिससे हम, अगर भारत सरकार हमको पैसा नहीं देगी, तो हम भारत सरकार के एसेट्स कैप्चर कर सकते हैं। इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशंस इन वेरियस कंट्रीज टू एनफोर्स इट्स अवार्ड इवन एज इट हेल्ड टॉक्स विद इंडियन गवर्नमेंट। इन मे इट फाइल एन एप्लीकेशन इन यूएस कोर्ट सीकिंग सीजर ऑफ एयर इंडिया एसेट्स। एयर इंडिया के जो एसेट्स हैं, वहाँ पर हेडक्वार्टर है, उसको हम एसेट को सीज कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा दी है। ऐसे सिंगापुर में, कनाडा में, जहाँ जहाँ एसेट्स इंडिया के हो सकते हैं और हमारे पास एक कोर्ट का आदेश है, हम ले सकते हैं। अभी इसमें पहला काम ये हुआ, इट सक्सेसफुली मैनेज टू फ्रीज रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ओन्ड बाई इंडियन गवर्नमेंट इन पेरिस। पेरिस में इसको सक्सेसफुल हो गई है, इम्पैक्टिंग अराउंड 20 सेंट्रली लोकेटेड प्रॉपर्टीज वैल्यूड एट मोर देन $20 मिलियन। ये इसने अपने कब्जे में ले लिया है। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप इन टेकिंग ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड इंश्योर दैट द प्रोसीड्स ऑफ एनी सेल्स वुड गो टू कैंट। ये इसने शुरू कर दिया है काम, भारत सरकार के एसेट्स को वहाँ की लोकल कोर्टों के माध्यम से लेना शुरू कर दिया है। तो अब इंडियन गवर्नमेंट इसे फाइट आउट कर रही है कि किस तरीके से हम इसे बचा लें। दिस इज द इशू, समझ में आ गया आपके? याद रखेंगे जो डिप्लोमेटिक एसेट्स हैं, जो हमारी एम्बेसीज वगैरह हैं, उनको ये टच नहीं कर सकती, दे आर आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन। वो इसको नहीं, उन एसेट्स को कैप्चर नहीं कर सकती कंपनी। जो कॉमर्शियल एसेट्स हैं इंडिया के, वो कैप्चर कर सकती है। तो दिस इज द इशू बिटवीन दिस मल्टीनेशनल कंपनी कर्न एनर्जी ऑफ यूके एंड इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने इन जनरल तो बोला है कि हम अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, लेकिन जो टैक्सेशन है वो तो बनता ही है। आप इंटरनल शेयर ट्रांसफर करके अपना टैक्स बचा लेते हैं, ऑब्वियसली कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग करती है। अब आप ट्रांसफर प्राइसिंग को चेक करिएगा गूगल पे, क्या होता है, इकोनॉमी अगर आप समझते हैं तो आप समझ जाएंगे इसे। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के जरिए आप अपना टैक्स कंपोनेंट कम करते हैं और टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये इशू चल रही है, भारतीय सरकार टैक्स चाहती है, वो टैक्स टैक्स इस इशू को खत्म नहीं करना चाहती, लेकिन टैक्स में माफी दे देगी, क्योंकि अगर उसने इस कैन एनर्जी को माफ कर टैक्स खत्म कर दिया तो बाकी कंपनियों के ऊपर भी हमेशा के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा और आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस इशू इज गोइंग ऑन बिटवीन दिस कंपनी एंड इंडिया। होप आपको ये एक इशू समझ में आई होगी। इंडियन ये फॉरेन अफेयर्स की इशू है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, बेसिकली इकोनॉमी की इशू है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपल टर्म्स। आपकी समझ में आया होगा तो आप जरूर मुझे बताएं। आई शैल बी थैंकफुल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।